तो क्या तुम लोग एक ऐसा ट्रिक पता है जिसका इस्तेमाल करने के बाद तुम लोग पानी में चल सकते हो, दौड़ सकते हो, गोलियां मार सकते हो और बैठ भी सकते हो। जहाँ पे हम पानी में तैरते हैं वहाँ पे तुम लोग चल सकते हो, गोलियां भी मार सकते हो और ये वाला ट्रिक ना काफी ज्यादा इजी भी है। तो क्या तुम लोग को ये पता है कि कल्हारी मैप में एक ऐसा प्लेस है जहाँ तुम लोग खिड़की से अंदर जाते हो तो डायरेक्ट तुम लोग घर के नीचे ही आ जाओगे, और यहाँ पे आने के बाद ना तुम लोग को कोई देख ही नहीं सकते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे टीममेट भी तुम्हें नहीं देख सकते हैं। और हाँ, इसी के साथ साथ इस वीडियो में और भी काफी ट्रिक्स बग्स है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो ऑर्लैंडो कैसे हो तुम लोग, तो स्वागत है तुम लोग गुरुजी के टिप्स एंड ट्रिक्स के एक नए एपिसोड में, जहाँ पे फिर से तुम्हारा भाई तुम लोग के लिए काफी सारे ट्रिक्स बग्स ग्लिचेस लेके आ चुका है, जिनको देखने पर तुम लोग पूरा पगला जाओगे कि अपने गेम में हो क्या रहा है सब। तो बस तुम लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में तुम लोग को काफी ज्यादा मजा आने वाले है। और हाँ, अगर तुम लोग चैनल पर नए आ रहे हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आजकल तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो वीडियोस को, तो अपने फ्री फायर खेलने वाले दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर सकते हो वीडियो। तो अपने सबसे पहले वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोग को कल्हारी मैप में आ जाना, देन तुम लोग इस वाले प्लेस पे आ जाना, तुम लोग देख लो, देन तुम लोग को इसके ऊपर चढ़ना कुछ ऐसे, और ना तुम लोग को नीचे वाली सीढ़ी पे रहना जहाँ पे मैं हूँ, देन तुम लोग यहाँ पे जंप वाला बटन रहेगा, और जैसे तुम लोग जंप करोगे तुम लोग देख ही पा रहे हो तुम लोग पूरा घर के नीचे आ चुके हो। भाई साहब, ये वाला ट्रिक ना काफी ज्यादा खतरनाक और मतलब ईजी है पूरा। अगर तुम लोग एक बार जंप करते हो ना तो तुम लोग ऊपर मतलब इसके अंदर आ जाते हो, अगर तुम लोग ऊपर वाली सीढ़ी पे जंप करोगे तो मेरे फ्रेंड जैसे तुम लोग ऊपर ही रह जाओगे, और अगर तुम लोग नीचे वाली सीढ़ी से जंप करोगे जहाँ से मैंने किया था वहाँ से तुम लोग प्रॉपरली इसके अंदर आ जाओगे, और यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो कल्हारी मैप में और बहुत ही सारे किल कर सकते हो। और हाँ, यहाँ गोलियां चला के बंदे बुला के बहुत ही आराम से तुम लोग बंदे भी पेल सकते हो। तो वाला ट्रिक ना तुम लोग के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है अगर तुम लोग ग्रैंड मास्टर पुश करना चाहते हो, क्योंकि न्यू रैंक सीजन आने वाला है, तो तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो और ग्रैंड मास्टर भी कर सकते हो। और अगर तुम लोग सोलो खेलते हो तो भाई ये वाला ट्रिक तुम लोग के लिए काफी ज्यादा अमेजिंग और खतरनाक होने वाली है, तो इस वाली ट्रिक को जरूर ट्राई करना। और हाँ, मेरी बताई हुई ट्रिक्स की कोई भी आईडी बैन नहीं होती है, तो तुम लोग मतलब बेफिकर होकर इस वीडियो को देखो, और हाँ, इन सारे ट्रिक्स को भी इस्तेमाल करना। अपने अगले वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोग को इस वाली पानी के पास आ जाना जो कि अपने डैम के पास होता है, देन तुम लोग को पानी में चले जाना है, और जैसे तुम लोग पानी में आते हो तुम लोग को सर्फबोर्ड के ऊपर आ जाना है, और जैसे तुम लोग सर्फबोर्ड के ऊपर आते हो ना तो तुम्हारा जो मिनिमाइज का बटन होता है और जो तुम्हारा सर्फबोर्ड से उतरने का बटन होता है दोनों के एक साथ दबाना है कुछ ऐसे, और जैसे तुम लोग कुछ ऐसे क्लिक कर दोगे ना और वापस गेम में आओगे क्लिक करके मिनिमाइज करके, उसके बाद तुम लोग देख ही पा रहे हो तुम्हारा कैरेक्टर पानी में खड़ा हो चुका है। और हाँ, ऐसे खड़े होने के बाद ना तुम लोग डायरेक्टली पानी में दौड़ सकते हो कुछ ऐसे, और यहाँ पे तुम्हारा कैरेक्टर तैरने वाला नहीं है, तुम लोग पूरा पानी में भी चल सकते हो, दौड़ सकते हो और कूद सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, तुम लोग इस वाले ट्रिक को प्रॉपरली फॉलो करना, वरना काफी सारे बंदों का ये वाले ट्रिक काम नहीं कर रहा है, तो शायद उन लोगों ने ट्रिक अच्छे से फॉलो नहीं किया होगा, लेकिन मैंने जैसे बताया ना तुम लोग सेम टू सेम फॉलो करते हो ऐसे, तो ये वाले ट्रिक तुम लोग के लिए भी गेम में काम करेगा, और तुम लोग बहुत ही आराम से पानी में जाके अपना रैंक पुश कर पाओगे और बहुत ही सारे किल कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग को कोई नहीं देख सकता है, तुम्हारे टीममेट भी नहीं देख पाएंगे कि हमारा बंदा है कहाँ। खेर, ये वाला ट्रिक काफी ज्यादा अमेजिंग है, और हाँ, इस वाले ट्रिक के लिए एक शेयर तो बनता है यार। तो तुम्हारे जितने भी फ्री फायर खेलने वाले दोस्त है ना, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो, उन्हें भी पता चलना चाहिए ना यार कि अपने गेम में ऐसे भी ट्रिक है कि हम पानी में तैर नहीं चल सकते हैं। तो अपने अगले वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग हैंग पे आ जाना है, देन तुम लोग इस वाले वुडन बॉक्स के पास आ जाना है, देन तुम्हारे पास होना चाहिए अपना मिनी लॉन्च पैड, और मिनी लॉन्च पैड लगाने का ट्रिक मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में भी, तो जाके देख सकते हो तुम लोग। और यहाँ पे लॉन्च पैड लगाने के बाद तुम लोग को चढ़ना है और उतर जाना लॉन्च पैड से, और जैसे तुम लोग लॉन्च पैड से उतरोगे तुम लोग पूरा वुडन बॉक्स के अंदर आ जाओगे, और यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो, बहुत ही सारे मतलब बहुत ही आराम से बहुत ही सारे किल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग कोई नहीं देख पाएगा, अगर तुम लोग बकचोदी करोगे तो तुम्हारा सिर दिख जाएगा। मैं जोकर लगा गया हूँ इसलिए मेरा सिर दिख रहा है, अगर तुम लोग कोई और कपड़े पहन के आते हो तो यहाँ पे तुम लोग नहीं दिखने वाले हो, अगर तुम लोग दिखते भी हो तो तुम लोग को नीचे मुक्का मारना है कुछ ऐसे, उसके बाद तुम लोग दिखाई नहीं देने वाले हो, या तुम लोग स्कोप ऑन करके भी बैठ सकते हो, यहाँ पे तुम लोग को कोई नहीं देख पाएगा, और यहाँ पे आने पर तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर पाओगे, बहुत ही सारे किल कर पाओगे, तो इस वाले ट्रिक का भी तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो अपना रैंक पुश करने के लिए। और हाँ, सीजन जल्दी ही आने वाला है, तो ये सारे ट्रिक्स ना तुम लोग के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को लाइक भी कर दो यार, क्योंकि ये वाले ट्रिक काफी अच्छी है और अभी तक तुम लोग को वीडियो में मजा आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि ऐसे वीडियोस में रोज मतलब डेली नहीं एक दो दिन में लेके आ ही जाता हूँ। तो ये वाले ट्रिक भी काफी ज्यादा आसान और बहुत ही मस्त है, तो इसे भी जरूर ट्राई करना तुम लोग एक बार। तो अपने अगले वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोग को आ जाना बिग हेड मोड में, और जैसे तुम लोग यहाँ पे आ जाते हो ना तो तुम लोग को जैसे ही यहाँ पे आ जाते हो रेड वाले सर्कल में तुम लोग को नेट फेंकना है और तुम लोग को फटाक से मर जाना है, और हाँ देखना तुम्हारे टीममेट रिवाइव ना करते हैं, क्योंकि बहुत ही हरामी होते हैं, रिवाइव करते थे डाउन होते ही। और जैसे तुम लोग यहाँ पे मर जाते हो ना तो तुम लोग को देखना दूसरी स्क्वाड्स कहाँ पे है, जैसे यहाँ लाल बत्ती आ रही हो कहीं पे एम कर देना है, देन तुम लोग को फटाक से अपने डाटा को ऑफ कर लेना है कुछ ऐसे, और जैसे तुम लोग डाटा ऑफ करोगे तुम्हारा कैरेक्टर उतर जाएगा वहीं पर जहाँ तुम लोग ने मार्क किया होगा, और जैसे तुम लोग यहाँ पे आओगे सारे के सारे बंदे ना इसके अंदर ही पैक होंगे, मतलब जो अपना
वाला रेड वाला सर्कल है, सारे बंदे यहीं पे होंगे और तुम बस बाहर होगे, जो कि देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहा है यार। और हाँ, अगर तुम लोग कहीं दूर भी चले जाते हो ना, मतलब काफी ज्यादा दूर मार्क कर देते हो, तो वहां पे अगर तुम जाओगे तो वहां पे बंदे भी दिखाई नहीं देते, मतलब रेड वाला सर्कल ही दिखाई देता है बस। मैंने तो ज्यादा दूर मार्क नहीं किया, मुझमें बंदे दिखाई दे रहे हैं, मैं इन्हें मार भी रहा हूँ यहाँ से। अगर तुम लोग ज्यादा दूर मार्क करके एक बार देखना, वहां पे तुम्हारा बस रेड सर्कल ही दिखाई देगा, यहाँ पे कोई बंदा दिखाई नहीं देगा। हो सकेगा तो मैं वीडियो में आगे दिखा दूंगा या आने वाली वीडियोस में मैं बता दूंगा तुम लोगों को कैसे होता है। लेकिन मैं दूसरी जगह पे भी जाता हूँ ना इस वाले मतलब ट्रिक को करने के बाद, तो यहाँ पे भी बंदे मुझे दिखाई देते हैं चारों के चारों। लेकिन आने वाले वीडियोस में मैं तुम लोग को बता दूंगा कि कहाँ पे जाने के बाद ना तुम लोग को ये रेड वाला सर्कल पूरा खाली दिखाई देगा, वहाँ पे कोई बंदा नहीं होगा। तो अपने अगले वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोग को आ जाना हैंगर पे, और हाँ, यहाँ पे आने से पहले तुम्हारे पास ग्लूबल्स होने चाहिए। देन तुम लोग को ऊपर जो दिखाई दे रहा है ना सरफेस, यहाँ पे तुम लोग को एक दो ग्लूबल लगाने हैं। तुम लोग प्रॉपर देख लेना कहाँ पे तुम लोग को लगाना है, वरना तुम लोग से मिस्टेक हो जाता है, फिर तुम लोग बकचोदी करने लगोगे, ये ट्रिक काम नहीं कर रहा है। तुम लोग यहाँ पे ग्लूबल लगाना है, देन तुम लोग एम करके देखना वहाँ पे लग तो नहीं रहा है ना गोले, फिर तुम लोग को एक दो और ग्लूबल लगा देना कुछ ऐसे में जैसे लगा रहा हूँ। और जैसे तुम लोग यहाँ पे एम करके देखोगे ना, तो वहाँ पे रेड वाला मतलब जो पीला वाला आता है ग्लूबल पे, वो वाला आ ही नहीं रहा है। मतलब कि ये वाला बग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और अमेजिंग है, मतलब तुम लोग पूरा शौक हो जाओगे इस वाले ट्रिक को करने के बाद। यहाँ पे मैं गोली चला रहा हूँ लेकिन ग्लूबल पे लग ही नहीं रहा है, ग्लूबल टूट ही नहीं रहा है। और अगर तुम लोग को ग्लूबल तोड़ना है तो तुम लोग को थोड़ा सा नीचे मारना पड़ेगा, यहाँ पे जहाँ पे मैं मार रहा हूँ यहाँ पे मारोगे तभी ग्लूबल टूटेगा, वरना ऊपर ग्लूबल ही नहीं टूटेगा। मतलब इस वाले ट्रिक का इस्तेमाल करके तुम लोग अपने दोस्तों को चैलेंज भी कर सकते हो कि इस ग्लूबल को तोड़ के दिखाओ, मतलब ये वाला बग काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो इसे भी जरूर एक बार तुम लोग ट्राई करना और अपने टीममेट के साथ ट्राई करना, काफी मजे आएंगे। तो अपने लास्ट वाले ट्रिक को करने के लिए आ जाना है तुम लोग का लक रोल में, यहाँ पे जो अपना हड्डी वाला कपड़ा है ना इसमें आ जाना है। देन तुम लोग को यहाँ पे एक बैकपैक भी देखने के लिए मिल जाएगा कुछ ऐसा, तुम लोग देख ही सकते हो। यहाँ पे आने के बाद तुम लोग का बैकपैक का जो जूम का बटन होता है, तुम लोग ध्यान से सुनना, जो बैकपैक का जूम का बटन होता है, देन जो तुम्हारा हड्डी वाला बटन होता है ना मतलब बंडल का, दोनों को साथ में दबाना, और जैसे तुम लोग साथ में दबाते हो तुम लोग को कुछ ऐसा नजारा देखने के लिए मिल जाएगा। सामने तुम लोग को दो दो कैरेक्टर देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे जो तुम्हारा मतलब मेन कैरेक्टर जो तुम्हारा है वो बैकपैक लेके खड़ा है, और सामने तुम्हारा हड्डी वाला कैरेक्टर भी मतलब बंडल देखने के लिए मिल जाएगा। ये वाला ट्रिक ना काफी ज्यादा अमेजिंग और खतरनाक है, और ना इस वाले ट्रिक का इस्तेमाल करके ना तुम लोग किसी भी बंदे को सॉक कर सकते हो पूरा, तो इस वाले ट्रिक को भी जरूर एक बार ट्राई करना। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है कि तुम लोग ये वाली वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सालों 6000 नहीं करवा रहे हो तुम लोग, करवा दो बस इस वाले चैनल पे 6000। तो बस आज के लिए बस इतना ही बोलना था, तो वीडियो खत्म, भागो यहाँ से।